हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। हर कोई मार्केट से माल उठाना चाहता है क्योंकि सबको गिरावट दिख रही है, मंदी दिख रही है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा किस प्राइस पर शेयर खरीदें और मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बार बार बात करता हूँ, लेकिन बहुत लोग फॉलो नहीं करते। वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद लें हम, और अच्छी गिरावट है, अच्छा मौका है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम खरीद लें। तो उनके लिए ये वीडियो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्टॉक को वापसी के टाइम पर खरीदा जाए, मतलब जब उसकी रिवर्स जर्नी हो जाए वहाँ पर खरीदा जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन उन लोगों का क्या जो सोच रहे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खरीद करके एटलीस्ट हम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के शेयर ज़रूर खरीदें। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि टॉप के 100 में से ही वो स्टॉक्स चूज करें अभी के टाइम पे, और जितना बढ़िया वो शेयर हो सकता है उसी को चूज करें। अब बात आती है भाई कितना गिरे। तो देखिए, जिस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा, खास करके टेक्निकल एनालिसिस का, ये भी पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का है, कि अगर एक करेक्शन होती है तो वो मैक्सिमम करेक्शन जो होती है वो 60 से 70% के बीच, यानी कि 66-65% के आसपास जाती है। यानी कि मैं कहूंगा जनरली 50 से 66% की वो रेंज होती है जहां पे ये मैक्सिमम करेक्शन माना जाता है। और बड़े स्टॉक्स में इतनी बड़ी करेक्शन मतलब मार्केट बिल्कुल जमीन पे आ जाना, ये मानना है। तो अगर मान के चलिए, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि मार्केट बिल्कुल धड़ाम होने वाली है आने वाले टाइम पे, तो उसके बेसिस पे जो प्राइसिंग है, मैं कहूंगा उन प्राइसिंग को आपको जरूर देखना चाहिए। और अभी तक आपके फेवरेट स्टॉक कितना करेक्ट ये कर चुके हैं वो जानना जरूरी है, और फिर आगे कितना और हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। इस छोटे से मैंने एक एक्सेल बना रखी है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्ड व्यू में मैं आपको बताऊंगा अभी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने एंट्री अपने स्टॉप लॉसेस खुद निकालोगे प्रैक्टिस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, और उसके बाद कमाओगे पैसा। ये एक्सेल की शीट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। ये टॉप के 100 स्टॉक है, इनके एक एक करके देखते हैं डिटेल। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मैं देखूं, यहाँ पे 52 वीक हाई से जो करेक्शन, इसमें टोटल करेक्शन अब तक आ चुका है लो तक जो उसने बनाया है अभी, वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 45% तक करेक्शन आके अब ये वापसी भी कर चुका है। मतलब अभी ओवरऑल 33% के आसपास का आज की प्राइसिंग, यानी कि आज 3 अप्रैल की डेट है, उसकी प्राइसिंग के हिसाब से 33% अब भी डाउन है अपने 52 वीक हाई से। जरा सोचिए, और अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक अगर मैं कहूंगा कि 60% मान के चल रहा है, 50% तो मैं कहूंगा इसको कि 4-5% और करेक्ट हो सकता है अभी के लेवल से, नहीं जो इसका लो पॉइंट बना हुआ है उससे, यानी कि 875 के लेवल से 4-5% का और करेक्शन हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो हमारी 50 से 66 की रेंज में ही आता। तो यानी कि अगर आप देखो 875 और 9 को अगर हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 850 से नीचे का एक बढ़िया इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। अभी भी मैं कहूंगा अगर गिरावट आती है आने वाले टाइम पे, तो 850 से नीचे बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग रहने वाली है। बट अभी रिलायंस का स्टॉक थोड़ा स्टेबल कंडीशन में दिख रहा है, जो हमने टेक्निकल पार्ट पे देखा था। और दूसरी चीज़ TCS के शेयर में मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिए 34% की टोटल करेक्शन इसमें आई है और अभी भी 27% ये डाउन है। देखिए ज़रा, और अब आपको हो गया 34% 27% ये क्या है। देखिए जो मिनिमम लो अभी इसने बनाया है उसको बात कर रहे हैं हम, और वो भी 52 वीक हाई से, और जो अभी के टाइम पे है, यानी कि उस लो को बनाने के बाद अभी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, 5-6% के आसपास ऊपर आ चुका है, तो उसके हिसाब से ये 27% है। जरा देखिए, यानी कि TCS में आप सोच रहे होंगे यार और गिरावट आ सकती है, यानी कि अगर 50% के हिसाब से मैं लो मान के चलूँ तो थोड़ा और सस्ते में मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो। और उसी तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओवरऑल ये 29-30% तक गिर चुका था, लेकिन अभी फिर से तेजी आ चुकी है इसमें, मात्र मतलब ये मान के चलिए कि 20-22% ऑलरेडी जंप कर चुका है, यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और बात करते हैं HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक वो शेयर है हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी 43% और 37% आपको जरूर देखने को मिल रहा है। 43% टोटली अभी करेक्ट हुआ है और 5-6% अभी जंप किया है, लेकिन मेरा मानना है ये अभी अगर गिरावट इसमें आती है, यानी कि अभी अगर करंट प्राइस इसका देखूँ मैं 800 के लेवल पे है, 800 के लेवल पे गिरावट, यानी कि 12% मतलब 100 रुपये के आसपास नीचे जाता है, 700 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी रहने वाली है HDFC बैंक के लिए। 700 की रेंज मतलब वैल्यू बायर यहाँ पे 700 की रेंज में अटैक मारेगा इस पे, कहोगे अरे वाह क्या लेवल दे दिया 700 की रेंज। देखिए ये डाटा के ऊपर बात हो रही है, जितना करेक्शन अभी हुआ है और वो भी 52 वीक हाई के हिसाब से। HDFC की बात करते हैं, देखिए HDFC में टोटल अभी 41% की गिरावट, और उसी की उतनी ही गिरावट अभी चल रही है जितनी ओवरऑल यहाँ पे है। तो यानी कि अभी अगर मैं मानूं यहाँ पे 10% की और गिरावट एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं कितनी 10% की, तो 10% के हिसाब से अगर आप देखोगे 1500 का प्राइस है, 150 रुपये और गिरेगा,
1350 से लेके 1300 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्फोसिस के शेयर को अगर देखूं, 40% की टोटल गिरावट इन्फोसिस जैसे शेयर में थी, 40% की टोटल गिरावट, 10% जंप जरूर कर चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल अगर 20% की और गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं तो इन्फोसिस के शेयर को आप तो कहोगे यार अभी तो 120 रुपये और नीचे, वही 480 का रेंज बन रहा है जो इसने अभी 511 का बनाया था, थोड़ा सा इससे इसी के रेंज में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। और भारतीय एयरटेल को अगर आप देखोगे तो इसमें पॉजिटिविटी जरूर आ चुकी है, एक बार धड़ाम से 48% के आसपास टोटल गिरावट इसमें आ चुकी थी 52 वीक हाई से, लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है इसमें। और वही नहीं, अगर मैं आगे चलता रहता हूँ एयरटेल के बाद कोटक महिंद्रा बैंक को देखता हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक भी 42% की टोटल 52 वीक हाई से गिरावट आ चुकी है, 33% की गिरावट रह गई है। थोड़ा आज पॉजिटिविटी, गिरावट के बाद थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी बैंक के शेयर में काफ़ी गिरावट जो है चल रही है। आईटीसी के शेयर को आप देख लीजिए, आईटीसी में अभी मैंने ट्रेंड रिवर्सल की बात करी थी, ऑलरेडी ये 50% से ऊपर वाले ब्रैकेट में गिर चुका, जो मैं आपको बात बता रहा था। देखिए आईटीसी का शेयर 310 का इसका 52 वीक हाई है और टोटल 56-57% गिर चुका था, मतलब सोचिए कि बिल्कुल अपने बॉटम पे आके जैसे ही दिखा, अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ही दिखा यहाँ पे कि ये बॉटम के पास जा चुका है, वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो गई 50% से ऊपर जाते ही, मतलब 135, 140, 145 पे लोगों ने खरीदना इसको स्टार्ट कर दिया। देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करता हूँ तो टोटल 50-51% की गिरावट है, यानी कि इससे पहले जो मैंने आपको 260 का लेवल जो दिया था, एक बार पहले वीडियो बनाया था, 260-250 का लेवल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई में 53% की गिरावट आ चुकी है, यानी कि ये स्टॉक भी अपना 150-60 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसबीआई की रहने वाली है, क्योंकि 50-55% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और 8-10% की गिरावट हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 66% का बैरियर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेस्ले तो भाई एफएमसीजी शेयर है, ऑलरेडी पीक पे जा रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप एशियन पेंट्स को देखोगे तो 32% की गिरावट थी, लेकिन वो रिकवर होकर 20% रह गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट को आप देखिए, ऑलमोस्ट 52% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी एवेन्यू सुपरमार्ट में, जो कि बहुत तेजी से रिकवर हुई है। बजाज फाइनेंस के शेयर को देख सकते हो आप, बजाज फाइनेंस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 57% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर 66% का क्राइटेरिया हमारा रहता है अभी, क्योंकि 55% है, तो 10-11% की और गिरावट, यानी कि 1800 से 2000 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है बजाज फाइनेंस के लिए, 1800 से 2000। तो जो वैल्यू बायर्स हैं आपको मिलेगा यहाँ पे मौका है। देखिए ये जो एनालिसिस है ये टेक्निकल से थोड़ा हट के है, ये एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े स्टॉक्स हैं अगर वो 60-65% की क्राइटेरिया में चले जाते हैं गिरावट की, तो उसके बाद उनमें वैल्यू बायर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, वो आपको दिखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम के थ्रू। और उसके अलावा बजाज फाइनेंस के बाद में मारुति सुजुकी की जैसे देखिए हालत ख़राब है, नो डाउट ऑलरेडी 40% ये गिरा है, उम्मीद करते हैं इसमें 40 नहीं मैं कहूँगा 48% ये गिर चुका है, और मैं मुझे उम्मीद है यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-15% की और गिरावट की एक्सपेक्टेशन में अगर नंबर्स के बेसिस पर करता हूँ तो, यानी कि करंट से 500-600 रुपये की और गिरावट, यानी कि 500-600 रुपये मतलब 3400-3000 की रेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज को बात करते हैं, 40% गिरा था, मतलब अभी ढंग से गिरा नहीं है, लगता है कि आगे और गिरावट इसमें आ सकती है। एलएनटी के शेयर को, एलएनटी का शेयर नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, और 58% की टोटल गिरावट 52 वीक हाई से हो चुकी है, सोचिए ज़्यादा नहीं गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते इसमें, वैल्यू बायर एक्टिवेट हो जाएंगे इसमें 6-7% की और गिरावट के बाद, यानी कि अभी के टाइम पे 774 का है और मुझे लगता है कि 50% की अभी टोटल गिरावट है, 10% की और एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप 70-80, यानी कि 700 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। ऑल्दो इसने 661 का लो जरूर बनाया है, तो 650-700 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज एलएनटी के लिए रह सकती है। बायर्स जो है वैल्यू बायर एक्टिवेट यहीं पर हो रहा है, इसी रेंज पर हो रहा है। विप्रो को आप देख सकते हो, विप्रो के शेयर को ऑलरेडी बहुत धराशायी होकर गिर गया था, अभी भी 40% डाउन है। एक्सिस बैंक के शेयर को आप देख सकते हो कि 65% ऑलरेडी गिर चुका है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये शेयर एकदम वापस भी आ जाएंगे, कई देखिए बैंक्स वैंक्स के आपने देखा, टाटा मोटर्स और यस बैंक आपने देखा किस तरीके से बुरी हालत उनकी हो गई थी, इसीलिए उन्हीं बिजनेसेस की तरफ जाइए जिनकी रिकवरी के चांस ज़्यादा हैं। बैंक में अगर आपको चूज़ करना है तो एचडीएफसी बैंक को मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एसबीआई की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा देखिए फार्मा में तो बहुत कम गिरावट है, नो डाउट फार्मा बहुत कम गिरा है। ओएनजीसी को आप देख सकते हो 71% तक गिर चुका है ओएनजीसी, 71%, देखिए जो मैं कह रहा था ना 60-70%, लेकिन अब ओएनजीसी अगर आपने देखा होगा 71% टोटल गिरने के बाद पॉजिटिविटी आ गई है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 60-70% का जो ब्रैकेट है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट को आप देख सकते हो
कितना गिरा है, 40% टोटल गिरा है, थोड़ा रिकवरी जरूर देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ को देख सकते हो कि 47% गिरा है, थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को जरूर मिली है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इसमें थोड़ा और गिरावट। और इसके अलावा डाबर इंडिया तो खे एफएमसीजी शेयर है, ये तो यूनिवर्सल शेयर है, इनकी तो बात ही कुछ और है। इसलिए जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का शेयर है 36% टोटल गिरा था, थोड़ा रिकवरी जरूर देखने को मिली है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का शेयर 40% टोटल डाउन। तो ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, एसबीआई कार्ड्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई कार्ड्स को आप देख सकते हो कि 25% ही गिरा है, अभी और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये ओवरऑल हम देखिए बहुत सारे शेयर्स की, जैसे एचडीएफसी एएमसी की हमने बात करी थी भाई, एचडीएफसी एएमसी मैं बात करूंगा। देखिए एचडीएफसी एएमसी जो है अपना जो 2000 की रेंज है इसकी, वो पहले भी हमने बात करी थी, वो 2000 की रेंज काफ़ी टाइट रेंज रहने वाली है, 1800 2000 की रेंज। अब आप कहोगे कैसे, 62% 52 वीक हाई से ऑलरेडी डाउन आ चुका है, यानी कि 8% अगर हम और गिरावट माने इसकी कहाँ से, अभी तो ये जंप होके 43% के डाउन पे है, लेकिन अगर हम माने यहाँ पे कितनी 43% है, तो थोड़ा सा और जो मैंने 1800 1600 की रेंज थी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस तरीके से आप भी एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे हमने टॉप स्टॉक्स को देखा और कितनी गिरावट उनमें एक्सपेक्टेड, अगर मैं 60 से 70 के ब्रैकेट में मानता हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपना बाइंग करना चाहते हो उसमें थोड़ा थोड़ा करके, तो वो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।